Hello students, in this video lesson we are going to discuss some questions related to the continuity of a function, or in other words we can say about the continuous function. So first we must aware about what are continuous functions. A function is said to be a continuous at any point. Suppose at x equals to a, if its left hand limit is equals to right hand limit is equals to function value. किसी function के लिए अगर left hand limit, right hand limit और function value किसी point पे अगर equal मिल रहे हैं तो इस type के function को हम continuous function कहेंगे. Left hand limit और right hand limit, ये limit exist करने का जो topic था last year उसके अंदर हम अच्छे से discuss कर चुके हैं. Left hand limit find out करने के लिए जो formula हमें use करना है वो होगा left hand limit at point A. लेफ्ट में मूव करना ए के लेफ्ट में, क्योंकि हमें ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो ए से लेफ्ट में मूव करने के लिए इसमें से स्मॉल वैल्यू हम माइनस करेंगे, ए माइनस एच. एच को स्मॉल करने के लिए हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रखी है. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए. राइट साइड में मूव करना ए के, राइट साइड में मूव करने के लिए ए में कुछ ऐड करना होगा. दैट्स वाई ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच, इसे स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करना है. दैट्स वाई वी अप्लाइड अ लिमिट एच टेंस टू जीरो. ये एक तरीके से फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. हियर इज अ फंक्शन स्प्लिटेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट एक्स, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड व्हेन एक्स इज लेस देन वन. Here is the second function k minus 2x, which is applicable when x lies between 1 and 2, and it is said that it is continuous at x equals to 1. Then what is the value of k? हमें k की value find out करनी है, और ये condition दे रखी है कि function x equals to 1 पे continuous है. जैसा कि हमने ऊपर किया है, अगर function किसी point पे continuous है तो left hand limit, right hand limit और function value same होनी चाहिए. यहाँ पे शुरुआत हम यहीं से करेंगे. सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन, वन पे कंटिन्यूस गिवन है क्वेश्चन में. दैट्स वाई द लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट वन इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट वन इज इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू. ये थ्री टर्म्स इक्वल होगी. अब हम मूव करते हैं यहाँ पर. हमें के फाइंड आउट करना है, सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंगल अननोन वैल्यू हमें चाहिए, और सिंगल अननोन वैल्यू के लिए हमें सिंगल इक्वेशन चाहिए. इसका मीनिंग ये हो गया कि इनमें से कोई भी टू वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लेकिन कोई भी टू वैल्यूज नहीं, टू वैल्यूज, लेकिन कौन सी टू वैल्यूज है वो डिपेंड करेगी लिमिट पे. एक में के का इन्वॉल्व होना जरूरी है, और दूसरी विदाउट के होनी चाहिए. मीन्स एक फंक्शन यूज करना है या एक पार्ट यूज करना है हमें जिसमें ये टर्म इन्वॉल्व हो रही हो, और सेकेंड पार्ट यूज करना है जिसमें ये फंक्शन यूज हो रहा हो. इसका मीनिंग हमें एक यूज करना है वन से लार्ज वैल्यू के लिए, एक यूज करना है वन से लेस वैल्यू के लिए, या फिर मैं ये कह सकता हूँ एक यूज करना है वन से लेस के लिए, और एक यूज करना है ग्रेटर देन वन और इक्वल्स टू वन के लिए. तो ग्रेटर देन वन, इसका मीनिंग हो गया राइट हैंड लिमिट. इक्वल्स टू वन, इसका मीनिंग हुआ फंक्शन वैल्यू. और ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट. इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर कि अगर हम ये फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो मुझे यूज करनी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट वन के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करूंगा तो वन से लेस मिलेगा और इस फंक्शन का यूज होगा. अब मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेकंड का भी यूज करना है. सेकंड के लिए मैं राइट साइड में मूव कर सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन गिवन है राइट हैंड लिमिट वन से लार्ज वैल्यू, या फिर मैं फंक्शन वैल्यू भी यूज कर सकता हूँ एफ ऑफ वन जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था एफ ऑफ ए. यहाँ पॉइंट ए गिवन था, यहाँ पर पॉइंट वन गिवन है, तो एफ वन भी यूज़ किया जा सकता है. तो अब ये क्लियर हो गया, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर ली जाए, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ वन फाइंड आउट कर लिया जाए. इन दोनों ही केसेस से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम तीनों पार्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, जबकि क्वेश्चन आसानी से टू पार्ट्स को सॉल्व करने पर हो जाएगा. हमें ये थ्री पॉइंट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट वन, इस फॉर्मूले का यूज करने पर एट वन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच.
लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, इससे ऑब्जर्व करना है, इससे यह एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, वन माइनस एच, एक्स इक्वल टू वन माइनस एच, ये रफ कैलकुलेशन है हमारे लिए, हमारे समझने के लिए, एक्स इक्वल टू वन माइनस एच, वन माइनस का मीनिंग होगा एक्स लेस देन वन, इसका मतलब अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो क्वेश्चन से ही पुट होगी, मुझे इस कंप्लीट की वैल्यू चाहिएगी ना, और इस कंप्लीट की वैल्यू के लिए मुझे यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर टू पार्ट्स के अंदर फंक्शन स्प्लिट है, तो मुझे पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो कंडीशन है एक्स, ये कहाँ लाई कर रहा है, लेस देन वन लाई कर रहा है या ग्रेटर देन वन के लिए लाई कर रहा है, तो एक्स लेस देन वन की कंडीशन मिल रही है लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेस देन वन का मीनिंग हो गया मुझे ये फंक्शन यूज करना है, इसका मीनिंग मेरा क्वेश्चन ये हो चुका है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब वापस यहाँ पर आ जाइए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, देन एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली वन माइनस एच, यहाँ से देखें एफ एक्स के केस में एक्स आंसर है, तो एफ वन माइनस एच कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, वन माइनस एच, इसकी वैल्यू होगी वन माइनस एच, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करने पर वन माइनस जीरो इक्वल्स टू वन। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए मूव करते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट वन, अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, अगेन इसको ऑब्जर्व करना होगा कि फंक्शन की वैल्यू इस क्वेश्चन से पुट करने के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट पोर्शन के लिए या सेकेंड पार्ट के लिए। एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एच, वन प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन वन का केस हो गया, ग्रेटर देन वन के केस के अंदर यूज होगा सेकेंड फंक्शन के माइनस टू एक्स, इसका मतलब सेकेंड राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा क्वेश्चन बना एफ एक्स इक्वल्स टू के माइनस टू एक्स। क्वेश्चन क्या बन रहा है, सेकेंड केस के अंदर हमें क्या यूज करना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के माइनस टू एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम, वन प्लस एच इसके अंदर, एफ वन प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, के माइनस टू एक्स पुट नहीं करना है, एक्स के प्लेस पे वन प्लस एच, आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो सिंप्लीफाई करने पर के माइनस टू माइनस टू एच, लिमिट अप्लाई किया के माइनस टू, फ्रॉम वन 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 कहाँ है, ये रहा वन, वन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इनको इक्वेट कर देंगे दोनों वैल्यूज को, दिस इज राइट हैंड लिमिट के माइनस टू एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वेट करने पर हमें रिजल्ट मिल गया के इक्वल टू थ्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। अब थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में सेकेंड लेवल का क्वेश्चन, अगेन वही सेम फंक्शन स्प्लिट है टू पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट कंडीशन है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स टू के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया अगर टू के अलावा कुछ भी है चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, दोनों ही केसेस के अंदर हमें ये फंक्शन यूज़ करना है, और अगर एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट टू के इक्वल है उस केस के अंदर ये फंक्शन यूज़ करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू, गिवन है कंटिन्यूस है, चेक नहीं करना है, इट इज़ गिवन दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ के, अगेन सेम सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू टू दैट्स वाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू टू। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ टू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वही हमें केवल सिंगल के चाहिए, तो एक सिंगल इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, इनमें से कोई भी टू पार्ट्स लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी टू नहीं, कौन से टू वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा, एक वो होगा जिसमें के इन्वॉल्व हो रहा है, के किस में इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू टू, एग्जैक्ट एक्स इक्वल्स टू टू, इसका मतलब इसके अंदर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में तो टू से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है और लेफ्ट हैंड लिमिट में टू से कम हो जाती है, एक हम यूज़ करेंगे एफ टू कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ये यूज़ करना है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि अगर कम है तो भी यही फंक्शन यूज़ करना है, अगर एक्स की वैल्यू टू से ज़्यादा है तो भी यही फंक्शन यूज़ करना है, तो नॉर्मली नेगेटिव साइन वाला यूज़ नहीं करते, टू माइनस एच यूज़ करने से अच्छा पॉजिटिव, ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। चलो राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट टू, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच, टू प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन होगा, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, टू प्लस एच, टू प्लस एच का मीनिंग क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू मीन्स ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ टू प्लस एच का मीनिंग एक्स के प्लेस पे हमें टू प्लस एच पुट करना है, जहाँ जहाँ आपको एक्स मिल रहा है उसके प्लेस पे टू प्लस एच, एक्स क्यूब मीन्स टू प्लस एच का क्यूब, नेक्स्ट एडिशन, एडिशन एक्स स्क्वायर मीन्स टू प्लस एच का स्क्वायर, माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन, एक्स मीन्स टू प्लस एच प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स मीन्स टू प्लस एच माइनस टू का होल स्क्वायर मीन्स एक्स को हमने टू प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, अब इसे सिंपलीफाई करना है,
और सिंप्लीफाई करने के लिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई अप्लाई करने पर हमें फाइनली ये रिजल्ट मिल जाएगा। एच क्यूब की सिंगल टर्म 6h² 1h² 7h² h कैंसिल हो चुका, 12h प्लस 4h 16h माइनस 16h कैंसिल, 8 प्लस 20 28 प्लस 4 32 एंड माइनस 32 कैंसिल आउट, ये टर्म मिल चुकी। एच स्क्वायर कॉमन कैंसिल, ओनली h प्लस 7 था, हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें मिल चुका 7। मीन्स राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू 7, राइट हैंड लिमिट मिल गया। अब एक हमें फंक्शन वैल्यू निकालना ही है, फंक्शन वैल्यू f2 की वैल्यू। f2 की वैल्यू क्या है यहाँ से, मीन्स x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 2। f2 ये यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए एप्लीकेबल है। तो f2 फाइंड आउट करना है, मीन्स f2 इज इक्वल टू k, f2 इज इक्वल टू k फ्रॉम 1, अगेन वही सेम कंडीशन है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, दैट्स वाई k इक्वल टू 7। इस तरीके से हम आसानी से कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।